हेलो, वेलकम टू ऑल। सो वेलकम टू रियलिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बेस्ट टाइम टेबल फॉर द स्टडी। सो दिस टाइम टेबल इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस, एम्पिरिकल सॉल्यूशंस which is implementations and used by every persons, every students who are prepared for various competitive examinations. Okay, so इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि किस तरीके से हमें सबसे बेस्ट टाइम टेबल एक स्टडी के लिए चाहिए, और वो एक फोकस के तरीके से हो जिससे हमें बोरिंग ना आए, और हम किस तरीके से उसको कंटिन्यू करके और हम अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टडी का माहौल बना सकें। ओके, सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर एवरी पर्सन हु आर प्रिपेयर फॉर नीट, जेई, आर आल्सो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एवरी पर्सन हु आर प्रिपेयर फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ हु आर प्रिपेयर फॉर बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशंस एंड एटसेट्रा। ओके, सो किस तरीके से ना आपको एक अच्छे माहौल में रह के स्टडी करनी है, तो मैंने यहाँ पे कोटेशन डाली है एक कि स्लीप एयरली, वॉक अप एयरली, मेंटेन द बॉडी क्लॉक। तो अगर आप सोते जल्दी हो, जागते जल्दी हो, तो तुम्हारा क्या है, एक बॉडी क्लॉक मेंटेन रहेगा, तुम्हें एक थकावट या लेजीनेस कभी नहीं आएगी। ओके, तो बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी ये पूरा मैंने लिखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें अच्छी बेनिफिट्स होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर बेनिफिट होता है तो अदरवाइज़ आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए, पहला है कि वॉक अप एयरली। अगर आप 4 AM पे जागते हैं, तो उससे जागने से बेनिफिट्स क्या होता है कि आप सुबह कहीं लोगों से आगे स्टार्ट कर देते हैं, और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। तो इससे पहले आपको यहाँ पर मेडिटेशंस या प्रेयर या एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी बहुत मेंटेन रहती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 4 स्लॉट लिए हैं, उस 4 स्लॉट को आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसके बीच में मैंने आपको पूरा एक आप एक बैलेंस भी रखा है कि किस तरीके से आपने लंच करना है, किस तरीके से आपको प्रेयर वगैरह करनी है, सारा वो मैंने यहाँ पर एक अच्छे तरीके से बना के रख दिया। पहला स्लॉट ये है कि अगर आप 5 बजे से जागते हो और 4 बजे पहले जाग लिया, और यहाँ 5 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अप टू 9 AM तक आप पहला स्लॉट में विद फोकस स्टडी से आप अच्छे तरीके से एक स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टडी करेंगे कहाँ पे आप? आप अपने घर में कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं, या आप जहाँ घर में करेंगे तो वहाँ बिल्कुल शांति होना चाहिए, किसी का शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड स्लॉट में आप 10 बजे से लेके 1 PM तक कर सकते हैं, उसके बाद आप लंच ब्रेक ले सकते हैं या प्रेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा सेकंड स्लॉट है। तो पहला स्लॉट और सेकंड स्लॉट आप देख लें कितना कितना स्लॉट है। थर्ड स्लॉट में आपने 4 से लेके 6 PM में आप डिनर ब्रेक चाय वगैरह भी ले सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने 2 घंटे रखे हैं, वो आप इसमें आप क्या करिए, एक नैप ले लिए, है ना, नैप लीजिए कि आपको सो जाना है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेना है, और किसी ने कोई काम है, खेलना है वगैरह जो भी है, आप घर के साथ थोड़ा बहुत काम भी करा सकते हो, तो ये वहाँ ले सकते हो। फोर्थ स्लॉट में मैंने 2 घंटे का रखा है, इसमें आपको वो रिवीजन करना है जो आपने दिन में पढ़ा था, ठीक है ना, 8 से लेकर 10 PM तक, और 10 PM तक आपको बेड पर चले जाना है, सो जाना है, रिविजन करना है वो टॉपिक जो आपने दिन में पढ़े हैं, और वो चीज़ें जो आपने पूरे इंटायर डे में करी हैं, और वो जो पूरे आपने एक हफ्ते में करी है, ठीक
ठीक है ना, आपको एक साल नहीं देखना है, आपको ना एक हफ्ता देखना है इस पूरे टाइम टेबल में, सिर्फ आप लोगों को दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि इस दिन में मैंने सीखा क्या है और कौन से टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं और किन किन टॉपिक मुझे डाउट है, वो सारा आपने करना है। उसके बाद आपको अगर टाइम मिले तो जो टॉपिक आपने किए हैं उसके क्वेश्चंस लगा लिए, चाहे तुम्हारा MCQ है या तुम्हारा एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, या तुम्हें उस पूरे तरीके से अगर तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एट देन मेक अ शॉर्ट नोट फॉर द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आपको 4 PM पे उठ के करना क्या है वो आप स्टार्टिंग से रात में बैठ के कर जाएंगे, और उसके बाद आप इन्हें सो जाना है। अच्छा, दो चीज़ें इस पर आपने साथ करनी है। एक, ये आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, इस ऐप फॉरेस्ट ऐप है, अगर आप इसको ऐप को लगा के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपको फोकस देगी कि छोटे छोटे पेड़ उगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते तो आप टाइम वॉच का यूज़ कर सकते हो, कि टाइम वॉच सबसे बेस्ट है। अगर आप उससे यूज़ करोगे तो आपका एक नेट टाइम लगेगा कि कितना टाइम आपने स्टडी किया, कि 5-6 स्टडी, जितना भी आवर्स आपने स्टडी किया, तो वो आप नेट टाइम भी लगा के स्टडी कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, चाहे वो बोर्ड के लिए हो, चाहे मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा सो थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर में अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट पे मुझे मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोई अच्छी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।